अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पास्ट पेपर करना शुरू किए थे। ये बीएस मैथ्स फिफ्थ सेमेस्टर का पास्ट पेपर है 2019 का, पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के पेपर्स हैं ये। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, इस वीडियो में हम लास्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बुक हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है बाय डॉक्टर एम इकबाल। तो पास्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। इवेल्यूएट, उन्होंने हमें एक कंटूर दी हुई है जी स्क्वायर माइनस वन, वेयर जो सर्कल हमारा लाई करता है विद इन टू, यानी मोड है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आएंगे यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास वन है इधर, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन। जो डिनोमिनेटर है हमारा वो क्योंकि लीनियर नहीं है इसलिए हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। तो इधर आप लिख सकते हैं सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट लीनियर, स्प्लिट इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, कंसीडर यहाँ पे वाली वैल्यू ले लेंगे जो इंटीग्रल के अंदर है वन ओवर जी स्क्वायर माइनस वन। इसको हम फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं जी माइनस वन जी प्लस वन, विच कैन बी रिटन एज ए ओवर जी माइनस वन प्लस बी ओवर जी प्लस वन। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया। अब जब इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग जी माइनस वन जी प्लस वन ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये कैंसिल हो के वन ए जी प्लस वन, जी माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, बी जी माइनस वन जी प्लस वन और जी प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब पार्शियल फ्रैक्शन हमें पहले भी आती है, तो यानी यहाँ पे जी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू को पुट करेंगे जी इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन प्लस बी माइनस वन माइनस वन। मेरी कोशिश है कि आपको सारे स्टेप सॉल्व करके दिखाऊँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ज़ीरो माइनस टू बी वन इज इक्वल टू माइनस टू बी, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय टू। अब इसी तरह से हम जी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो को पुट करेंगे तो जी इज इक्वल टू वन आएगा। वन इज इक्वल टू ए वन प्लस वन, ये क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। वन माइनस वन यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू। अब इन दोनों वैल्यूज़ को putting values of a b in equation number 1, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 ओवर z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 z माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 z प्लस 1। तो हमारे पास जो इंटेग्रल हमारा बनेगा 1 ओवर z स्क्वायर माइनस 1 डी z इज इक्वल टू 1 बाई 2, इसका भी इंटेग्रल आ जाएगा z माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 इंटेग्रल 1 ओवर जी प्लस वन। अब इनको हम आई वन और आई टू का नाम दे देंगे, तो आई वन बाई टू आई वन माइनस वन बाई टू आई टू। आई वन था हमारे पास वन ओवर जी माइनस वन डी सी, और आई टू हमारे पास अब वन ओवर जी प्लस वन डी सी। अब जो हमने कॉशियस इंटेग्रल फॉर्म में पढ़ा हुआ है, हमारे पास जो z गिवन है वो है z इज इक्वल टू टू, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं माइनस वन और वन। जो सर्कल हमारा बन रहा है वो यानी कि माइनस टू और टू की वैल्यूज़ के दरमियान बन रहा है, तो वन और माइनस वन की वैल्यू तो इसके अंदर लाई करती है। इस वजह से हम यहाँ पे कॉशियस इंटेग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी टू पाई आयोटा, यानी इसकी जगह पे भी टू पाई आयोटा आ जाएगा और इसकी जगह पर भी टू पाई आयोटा आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा वन ओवर टू, यानी यहाँ पर भी टू पाई आयोटा और माइनस वन बाई टू टू पाई आयोटा। जो हमारा क्वेश्चन था वन ओवर जी स्क्वायर माइनस वन डी जी ये सी इसकी कंटूर, तो यहाँ पे टू टू से कैंसिल हो जाएंगे, इधर पाई आयोटा माइनस पाई आयोटा ये कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जीरो। यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ साइन जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ साइन जी। ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस है लेंथी।
जीरो से हम लोगों ने फाइंड करने हैं, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो हम पुट करेंगे। हमें पता है कि जी को हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस आयोटा वाई आ चुका इज इक्वल टू जीरो। अब हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, उसी को यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारी ये वाली चीज़ बन जाएगी साइन ऑफ एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन आयोटा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब चैप्टर 3 पेज नंबर 71 पे हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन है, तो उनके अकॉर्डिंग देखें तो कॉस आयोटा वाई को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स कॉस एच ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स इसी तरह से आ जाएगा, और साइन आयोटा वाई आ जाता है यहाँ पे, आयोटा बाहर आ जाएगा और साइन एच ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसी बुक में गिवन है, पेज नंबर 71 चैप्टर नंबर 3 में, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे साइन एक्स कॉस एच ऑफ वाई प्लस आयोटा बाहर आ गया कॉस ऑफ एक्स साइन एच ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ वी विल सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे आप लिखते हैं सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स कॉस एच ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट कॉस ऑफ एक्स साइन एच ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन टेक साइन एक्स कॉस एच ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ आइदर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और कॉस ऑफ एच ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, बट वी नो कॉस ऑफ एच ऑफ वाई नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, सो वी विल टेक साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, हमें पता है साइन इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास आती है एन पाई, जिसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास ये वाली, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 ये थी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे साइन एच ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है एन पाई, अब इस एन पाई को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कॉस एन पाई साइन एच ओ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें पता है कि कॉस एन पाई हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज होती है, जिसको हम लोग माइनस वन एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये साइन एच ओ वाई इज इक्वल टू आ गया ज़ीरो। इधर हम लोग ने कहे एन इज इवन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस वन ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास साइन एच ओ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे लिखते हैं तो हमारे पास आएगा ई ऑफ वाई माइनस ई माइनस वाई ओवर टू इज इक्वल टू ज़ीरो, टू हमारे पास उधर उधर चला गया जो ज़ीरो आ गया, इसको आप वन ओवर ई वाई की फॉर्म में लिखते हैं तो जब एलसीएम लेंगे इसका तो टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ई टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से ई टू वाई इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अगर हम इसको भी ई की फॉर्म में लिखें तो लिखा जा सकता है ई ऑफ ज़ीरो, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी टू ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, सो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कह दें। ठीक हो गया, अब फ्रॉम 3 एंड 4 3 हमारे पास वही थी जो x इक्वल टू एन पाई मैंने निकाला और y इक्वल टू ज़ीरो, ये 4 वाली है। अब हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो कि हमने स्टार्टिंग में पुट किया, यहाँ पे हम x की भी वैल्यू को पुट कर देंगे और y की भी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आता है z इज इक्वल टू एन पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि z इज इक्वल टू एन पाई एन इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन टू सो ऑन आर ऑल जीरोज ऑफ साइन जी, और यही हमारा आंसर है। तो हमारे 2019 के शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए हैं, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है सारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, आई होप आपकी हेल्प होगी इन वीडियोज से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।